माशाल्लाह पावर, माशाल्लाह पावर, वाह। गुड आफ्टरनून माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज फर्स्ट सर्विसिंग कंप्लीट हुआ है और ये बाइक लगभग चला है अभी तक 559 किलोमीटर्स को मैं ये बाइक चला लिया है। और फास्ट सर्विसिंग में मेरा जो कॉस्ट आया है इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंजिंग का वो है 824 रुपीज़। और बाइक का मतलब माइलेज भी लगभग सही आ रहा है, आपको 35 टू 40 किलोमीटर पर लीटर मिल जा रहा है। अगर आप 65 टू 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आप क्रूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा, स्पेशली हाईवे में आपको अच्छा मिलेगा। और आप सिटी में एक्सपेक्ट कीजिए 30 टू 35, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ इसके बारे में, लेकिन मेरा जो GoPro है ये प्रॉब्लम दे रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा था। कभी माइक नहीं आ रहा था, बहुत हैंग कर रहा था, फाइल करप्टेड हो जा रहा था, ऐसा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। और फर्स्ट सर्विसिंग करवाने के बाद बाइक थोड़ा और स्मूथ लग रहा है। जो टेक्नीशियन थे उन्होंने बोला कि इंजन ऑयल चेंज करवाने के बाद थोड़ा जो माइलेज है वो घटेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। और बाइक का सिटिंग पोजीशन थोड़ा एग्रेसिव है। पहले हफ्ते में मेरा जो हाथ है वो थोड़ा लाल लाल ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा हैबिट हो चुका है, अभी कंफर्टेबल लगता है। और इस बाइक का जो मैनोवरेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। Meanwhile, माशाल्लाह पावर, माशाल्लाह पावर, वाह। माशाल्लाह ब्रेकिंग, भाई क्या स्मूथ है इंजन, माशाल्लाह। ओ हो, व्हाट अ साउंड। मैं तो वेट कर रहा था फर्स्ट सर्विसिंग कंप्लीट होने तक का, पता नहीं मैं कितना गया, 130 गया होगा शायद, ज़्यादा उठाया नहीं। अगर टक इन करता तो और ज़्यादा हो जाता। हाँ, और तो है इस गाड़ी में भाई साहब, जैसा पावर वैसा हैंडलिंग। और जब बाइक खरीदे थे उसका कुछ क्लिप्स है वो भी देख लीजिए। उस दिन भी बस इतना ही क्लिप्स मेरा रिकवर किया गया, बाकी पूरा फाइल कॉरप्टेड हो चुका था। और दो दिन मैं निकला था बाइक लेके वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो भी कॉरप्टेड हो चुका था। आज देखते हैं कि कितना मतलब जो रिकॉर्डिंग होता है वो कैसा आता है। और मैं अपने हाथों को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि जो गर्मी है ये मेरे हाथों को जला देगा। सामने एक खाली जगह है, उधर जाऊंगा, उधर जाके थोड़ा विस्तार पे बात करेंगे इस बाइक के बारे में। तो परफेक्ट स्पॉट पे आ गए हैं, बाइक को थोड़ा इधर पार्क कर देते हैं और थोड़ा विस्तार में बात करते हैं।
क्या ही बोले इस बाइक के बारे में, क्या ही बोले। लेकिन एक चीज़ है इस बाइक के बारे में कि ये बाइक दिखता इतना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है नहीं, काफ़ी सिंपल बाइक है। इसका इंजन भी काफ़ी सिंपल है, कोई रेडिएटर का झमेला नहीं है। तो यहाँ पे जो इंजन ऑयल है वही, मतलब इंजन से निकल कर आपका रेडिएटर में जाकर इधर देख सकते हैं, रेडिएटर जो है, रेडिएटर ठंडा होकर आपको इंजन में फिर चला जाता है और इंजन को ठंडा रखता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फिन्स मिल जाता है, ये मतलब एयर कूलर भी है, तो दोनों तरफ से इंजन को ये ठंडा रखता है। और ये इंजन ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, तो KTM की तरह नहीं है, तो काफ़ी मतलब सही है इंजन। और इस इंजन का जो माइलेज है वो भी काफ़ी सही है, आपको लगभग इस बाइक से मतलब 35 तो माइलेज आपको मिल ही गई, 35 माइलेज आपको मिलेगा ही। आप जितना भी खराब चलाओ आपको 35 की 34 माइलेज मिलेगा ही। और अगर आप 60-65 में अगर क्रूज़ करते हो हाईवे पे तो आपको लगभग 40 माइलेज तो मिल ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स आप 45 भी निकाल सकते हो। मुझे इस बाइक से माइलेज अभी तक हाईएस्ट मिला है 40 KMPL मिला है। और इसका जो गोल्डन फोक्स है ये काफ़ी सेक्सी लगता है, 37mm का गोल्डन फोक्स, मतलब सही है इस प्राइस पॉइंट पे बजाज ने काफ़ी अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी बाइक निकाला है, जिसका आपका चौड़ा टायर भी मिल जाता है आपको 140mm का, और सामने की तरफ आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको रेडियल टायर मिल जाता तो अच्छा होता, बाकी आप अपग्रेड कर सकते हो बाइक खरीदने के बाद, रेडियल टायर आप डाल सकते हो बाइक पे। और काफ़ी सही है, मज़ा आ रहा है चलाने पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वाइब्रेशन, काफ़ी स्मूथ है इंजन। और मैंने यहाँ पे जो कंसोल है यहाँ पे मैंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बाइक चलाता हूँ तो एयर प्रेशर के कारण यहाँ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये धीरे 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 उठ जाता है, तो इसको प्रेस करते रहना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे इस टेम्पर्ड ग्लास का सही नहीं लगा, थोड़ा और अच्छा ग्लू मिल जाता तो और भी अच्छे से ये चिपकता। वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और बाकी बढ़िया है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कलर दिन में जितना अच्छा लगता है रात को उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा वो है इसका जो एग्जॉस्ट है, हाँ इसका एग्जॉस्ट जो है वो मेटल का है, मेरा पहले जो RS था उसका मेटल का नहीं था, अंदर में एक मेटल का पाइप था और उसके ऊपर फाइबर का 3 कवर था, वो दिख के लगता था कि वो मेटल है लेकिन वो मेटल नहीं था, प्लास्टिक फाइबर था। और इसका टैंक भी मेटल का है, ये भी थोड़ा अच्छा लगा, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स। और पैनल गैप्स भी मतलब एकदम सही है, कम ज़्यादा नहीं है, दोनों तरफ एकदम जैसा होना चाहिए वैसा ही है। बाकी तो इस बाइक का जो फीचर्स वगैरह है ये तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने यूट्यूब और भी यूट्यूब वीडियो देखे होंगे ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन। तो चलिए अब बाइक को चलाते हैं। ओह पहले ही इतना चला लिया है, आप लोगों को इतना स्पीड दिखा दिया है, अब और क्या दिखाएंगे, ले चलते थोड़ा बात करते हैं और थोड़ा बात करते हैं। हाँ और लुक्स के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग ये कलर है, रेड और ब्लैक से थोड़ा ज़्यादा ही अटेंशन ग्रैब करता है ये वाइट कलर, स्पेशली नाइट में। ओहो हो नाइट में जो ये बाइक सेक्सी लगता है क्या बताए। और जो इस बाइक का सस्पेंशन है वो एकदम ही स्टिफ नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट कुछ नहीं सस्पेंशन है। हाँ आपको मतलब कॉर्नर में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा वॉबलिंग इफेक्ट आ सकता है आपको, लेकिन डेली आप अगर चलाते हैं इंडियन रोड कंडीशन पे मज़ा आ जाता है, चुम्मा पूरा चुम्मा, नो हार्ड फीलिंग्स इन योर बट, बट आपका कंफर्टेबल रहता है और सीट भी काफ़ी सॉफ्ट है, उतना हार्ड है नहीं। मुझे एक वीडियो बनाना है और ड्यूक 200 के साथ कि मतलब कितना कैपेबल है ये बाइक। वैसे तो मैंने वीडियो देखा है ड्यूक 200 को ये बाइक बीट कर रहा है, अब देखते हैं रियल लाइफ में कितना करता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।